नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज। मैं पवन पांडे आपके सामने एक ऐसा मामला लेकर आया हूं जो आपके होश उड़ा देगा। मामला है देवरिया के मैल थाने के ओडिला गांव का, जहां पर दिल्ली पुलिस रातों रात आती है और एक युवक को उठा ले जाती है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी दूसरे राज्य की पुलिस अगर किसी राज्य में आती है तो उसे पहले उस राज्य को सूचना देनी होती है जिस शहर में उसे कार्रवाई करनी है, उस शहर के नजदीकी थाने पर सूचना देनी होती है और उस नजदीकी थाने की पुलिस की मदद से ये कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये ऐसा मामला जिस पर दिल्ली पुलिस बिना किसी पूर्व सूचना के आती है और देवरिया जिले के एक युवक को जो ओडिला गांव का है उसको उठा ले जाती है। मैं ये पूछता हूं कि न्याय कहां है, पुलिस क्या कर रही है और किस प्रकार से किसी भी दूसरे स्टेट की पुलिस आती है और कहीं पर आकर के कार्यवाही करके चली जाती है। क्या यह न्याय उचित है? क्या इस पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? आइए देखते हैं, आपको वीडियो में पूरा मामला नजर आएगा। आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से युवक की कैसे क्या घटना हुई, किस प्रकार से क्यों दिल्ली पुलिस ने उस पर कार्यवाही की, क्या वो कार्यवाही उचित थी कि नहीं थी, क्या वो युवक वाकई गलत है या उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र हुआ है। हम देखते हैं इस वीडियो में। आप अपना नाम बता दीजिए। सुशीला देवी। आपके बेटे का नाम क्या है? अश्वानी राजभर। मामला क्या है, पूरा हमको बताइए। मामला ये है, अश्वानी के लिया के गैली रोशनी कमाए के कि 10 के सर्टिफिकेट ले लाए, आधार कार्ड हम तक के दवाई वाला कंपनी में लगा दे। लिया के गैली लग्न जिद करे हम जाए तो चल गए ना, ओजा गैले की बात काम कहीं ना ले जाके हो बरसाती वाला कंपनी में लगा दे हल्लो। काम कहीं ना एक महीना बातचीत मन करें, ओकरी बाद एक महीना की बाद हमसे बात ना कराएल, उनका मोबाइल फोड़ के फेंक दे हल्लो। ओकरी बाद फोन करी जा तो एक महीना ले हमरे लड़का से बात ही ना भई, तब हम उठानी तो रोनी ओनी आ जाके मोबाइल थाना पर FIR लिखवानी कि हमारे लड़का के रोशनी लिया गई बड़ी, हमारे लड़का से बात ही नहीं खेलो। तो मनो मोबाइल थाना से मनो उनकी घरे आए लो तो उनकी बाबूजी के बुलावल लो, वही दिन से मनो हमारे लड़का से बात करावे लगल लो। तो वो लड़कनी के मन बात करावे लगल लो तब ओकर माई बाप सभे बात करे लगल। ओकरी बाद ओकर महतारी कहती है कि ए महाराज लड़का लड़कनी राजी हो गई ना सत का कोई जा, तो हम कहानी कि ठीक बा राजी हो गई ना सत लेके हमारी लड़का के घरे आओ। तो वो लड़का के मार पीट के लड़का के राजी करौले बलो, वो राजी हो नहीं खे भइल। 4 महीना ओजा लेके रहल बा, ओकरी बाद घरे आइल बा 2 महीना रहल बा। ओकरी बाद उ गइल हैदराबाद कमाए, एकर मोबाइल हरदम बिजी रही हरदम बिजी रही। ओकरी बाद उ जब फोन करी तो कहिए हम ओकर मोबाइल कहीं बिजी रहता ए बाबू हम का जानते हैं। आइल हुए ओकरा से फोन पर झगड़ा कैलस, उ आइल है बस ही अपन झगड़ा ओकरा कुछ नहीं खे भइल, अपन मन से निकड़ के आधार कार्ड पिन कार्ड लड़का मंगलस, मरले नहीं खेना गरियौले बाबू जी, आधार कार्ड पिन कार्ड खाली मांगले बाबू से आ अपनी भौजाई की घरे भेजवा दिल बिया। अपनी भौजाई घरे मांगे गल हो छोट लड़का पर एगो जाके ले आई, तो हम कहनी तू कह दिलू हम जानत नहीं खी आधार कार्ड पिन कार्ड ई कहाँ से आ गल। वही पर लंक लगा के काली माई तर भागल, काली माई तरफ से अपनी भौजाई घर भाग गई, अपनी भौजाई घर से आ अपन बहन की घरे थाना पर फोन कर दिलस, थाना वाला हमने के बुलावल लो गई नहीं जा। तो वही समझौता भइल कि तह तो दून जानी के समझौता भइल, तह तो कहती हम अपनी बहन की घर जा। दरोगा जी फिर पूछने कि कहाँ जेबुआ, तो हम अपनी बहन घर जा। तो कहने जान दो खीस रिस में है कुछ कर लेगी, जान दो बहन की घर जाती है, हम चलिए नहीं जा हमने के। करीब बाद भाग के जाके अथी देवरिया लिखवल महीना थाना में, तो हमने के तीनों चारों जनी माई बेटा गई नहीं जा, ओजा गई नहीं जा। तो ओजा मनो समझा बुझा दिलो, मैडम जी कहली कि अरे तुम लोग हंसी खुशी से जाओ करो खाओ, फोन करते रहना, फोन करे फोन उठेबे ना करे, सबके मोबाइल भी लिख फाइल में डाल। भाग के जाके दिल्ली आई केस लिखवल बिया सबके कि है हमारा हमके बंद कमरा में बंद करके और जबरदस्ती बलात्कार करते हैं, आ चल के हमार घर देखी लो कैसन हमार घर बटे। क्या घर में वो बात करती थी तो आपको पता नहीं चलता था कि किससे बात कर रही? नहीं, हम पूछब के हो तो कही कि वह हम
का करी हमनी के जब उ कहे कि उहे आउ त हमनी के का कह सके नी जा। ये बताए आपके घर में कितने लोग? हमारी घर में हम माई बेटी हमनी के दू गो लड़की बड़ी सा आए हम बने। वो लड़की के डिलीवरी हो खेला रहत रहली है, डिलीवरी हो गेल घर अपन चल जाइए। एगो लड़की छोट भी है, एगो लड़का बा। ये बताए दिल्ली में जो भी उसने जाके केस किया उस पे कहां तक कार्रवाई हुई, क्या हुआ आगे? कार्रवाई ये भइल बा कि मान ली मैडम जी के हम गेल बनी तो हौ लड़का के कहाला लिखली पढ़ली हौ का कागज देले बड़ी और कोनो बात नहीं भाई। आ वकील साहब के लगल बन जा तो वकील साहब मन कहले बण कि हाँ मन लड़का के 2 महीना 3 महीना में जमानत हुई और का हो। ये बताइए अश्वनी को दिल्ली कैसे ले जाया गया? 3 बजे राती खान 3-4 गो पुलिस वाला आई रहलो, एगो लेडीज रहली आ 3 गो मनो पुलिस वाला रहलो, एक अथी 3 जनी रहलो आके आ हमारे मन हमन के सबके सुतर रहल 3 बजे राती खान। दरवाजा रोजा नहीं खे सीधा घर में ढुक गए आ जाके अश्वनी के चदरा ओढ़ के सुतर आना उठा के अल के सड़की पर चल गए लो। पाछे से गोर धर तनिक अरे सर हमारे लड़का से बात करने दीजिए, थोड़ा बात करने दीजिए। नहीं बात करने दिया, बैठा लिया गाड़ी में। अब हम पूछा था कहाँ लेकर जाएंगे सर, आ तो चौकी पर। चौकी पर सवेरे गए नहीं जा फोन कर चौकी पर है ना लड़का। पुलिस वाले जो आए थे वो वर्दी में थे या सिविल? एगो वर्दी पहले रहना दू जानी थी सादा ड्रेस में रह लो, लड़की वो सादा ड्रेस में रह ली। मेरा नाम सुधीर नंदन मर त्रिपाठी पट्टू तिवारी है और मेरे घर के पीछे ही एक कन्हैया राजभर का घर है। और 3 बजे भोर में 3 या 3:15 हो रहा था, 3 बजे भोर में इन लोगों ने एक बार हल्ला किया कि कुछ लोग आए हुए हैं। और उसके बाद से जब कुछ हम लोग गए तो तब तक इनके लड़के को मतलब जो लोग आए थे अपने आप को दिल्ली पुलिस बताए थे इन लोगों से लेकर के चले गए बिना सर्च वारंट या बिना वारंट के। या तो कोर्ट से वारंट होता है या पुलिस देती है, एसपी के यहाँ से होता है। बिना थाने को सूचना दिए हुए, बिना चौकी को सूचना दिए हुए आखिर कैसे प्रशासन लेकर के यहाँ से गई? इस बात को प्रशासन जिम्मेदार है कि किस बीच में ले जा करके कहीं उस बच्चे की हत्या हो जाती या वही लोग हत्या करा देते तो क्या इस बात के जिम्मेदार प्रशासन होती? सबसे बड़ी गलती तो प्रशासन ने किया है कि यहाँ से बिना वारंट का, बिना ग्राम प्रधान की सूचना के, बिना थाने की सूचना के यहाँ से उसको उठा करके ले गई है। थाने पे हम लोग गए, थाने पे पता चला कि यहाँ पे कोई सूचना ही नहीं है। 3 बजे शाम तक कोई सूचना नहीं थी, हम खुद थाने पे बैठे हुए थे इस मैटर को लेकर के। लड़के की माँ के साथ हम बैठे हुए थे, पूर्व प्रधान थे उनके साथ बैठे हुए थे, वर्तमान प्रधान थे, सारे लोग साथ में वहाँ 3 बजे तक चौकी पे बैठे हुए थे। लेकिन उस समय तक कोई सूचना नहीं थी कि नहीं हाँ यार लड़का कहाँ है। 3 बजे के बाद सूचना आई कि नहीं वहाँ से देवरिया में लड़का को रखा गया है और लेकर के लोग थाने पे आएंगे। उस समय भी ग्राम प्रधान को सूचना देनी चाहिए लेकिन न ग्राम प्रधान को सूचना, यहाँ मैल थाने में थाना भी नहीं दिया कि हाँ मतलब ग्राम प्रधान आप आ जाइए और यहाँ लड़के को लेकर के आए हैं, यहाँ से पूछताछ कर दीजिए या किस मैटर में, कोई समझौता नहीं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की गलत है, लड़की यहाँ पे अपनी मर्जी से आई है, अपनी मर्जी के साथ लड़की रह रही थी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यदि शादी भी नहीं हुई है, कोर्ट मैरिज भी नहीं हुआ है, सामाजिक तौर पे भी शादी नहीं हुई है, उसके बाद भी यदि दोनों लड़की और लड़का दोनों अपने मन से साथ में रह रहे हैं तो वो रह सकते हैं। इस पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई शादी की ज़रूरत नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यही बात है इसमें। अब लड़की कितना दोषी है, लड़का कितना दोषी है, अब इसको तो कोर्ट ही देखेगा। लेकिन जहां तक हमारी सोच है, जहां तक मैं जानता हूं कि लड़का निर्दोष है, लड़के को फंसाया गया है और ये बिल्कुल ही निर्दोष है और इसका शोषण किया जा रहा है, जो कि कमरे में बंद करने वाली बात है वो भी नहीं है, वो तो छप्पर तो है कहां, ना फाटक है ना कुछ है, छप्पर है, छप्पर में क्या कैमरा है, क्या बंद होगी, लड़की खुद गलत है। हम अयूब अंसारी ग्राम मंडीला पूर्व प्रधान हैं, जो कन्हैया राजभर के यहाँ 3-4 लोग आए थे, बता रहे हैं कि दिल्ली की पुलिस है। जब ये लोहल्ला की आदमी पहुंचा गांव का तो उसमें एक वर्दी वाले थे, बाकी लोग सिविलियन थे और उस लड़के को लेकर चले गए। पीछे से उसकी माँ गई कि तनाव कुछ कही लेकिन कुछ हुआ नहीं। और इस दशा में यदि पुलिस
ना पहचाना है और ले कर चले जाए, उस लड़के कहीं मर्डर हो जाए तो उस बीच में कोई क्या करेगा? इस तो जवाबदेही पुलिस को होनी चाहिए, लेकिन इस पर कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन रहा। हम लोग चौकी पर गए तो चौकी पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, थाने पर गए वहाँ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। वो लोग बताए कि सुबह हम लोग मिलेंगे चौकी पर, चौकी पर कोई सूचना नहीं थी। हम लोगों के जाने के बाद वो लोग आए और लिख पढ़ के जो भी थाना पर दिए हों कि हम लोग यहाँ की पुलिस से इसको ले जा रहे हैं, उस हिसाब से लोग लेकर चले गए और फिर कोई सूचना किस तरह के नहीं दिया। बाद में पता चला कि लड़का दिल्ली चला गया, दिल्ली जा करके उसको जेल में बंद कर दिया गया है। बस यही इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि बता रहे हैं कि वो जो लड़के की माँ है, हमको रात को 3 बजे इन्होंने फ़ोन किया कि हमारे घर पे कुछ लोग आए हुए हैं और हमारे लड़के को लेकर के जा रहे हैं। तो हमने तुरंत यहाँ पे इनके घर पे आया और बात किया इन लोगों से। उन्होंने बताया कि वो सब बता रहे थे कि हम पुलिस वाले हैं। तो हमने बोला ठीक है, हम थाने पर पूछ रहे हैं कि क्या उनको कुछ सूचना है कि नहीं है। हम तुरंत थाने पर फ़ोन किए मल थाने पर, वहाँ के उस समय थे एसओ बीबी राजभर जी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने ये बताया कि ऐसी कोई हमको सूचना नहीं है। फिर हमने चकला चौकी को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने बताया कि हमको भी कोई सूचना नहीं है। उसके बाद हम तुरंत मौके पहुँचे वहाँ पे मल थाने पे, वहाँ पे कोई भी मतलब इनकी सुनवाई नहीं हुई। जो भी हमारा जो खजना इन लोग किए हैं, ठीक है। आइए दिखाते हैं अश्वनी राजभर का घर। लड़की का आरोप है कि उनको कमरे में बंद करके मारा गया, तो आप देख सकते हैं कि कहां कमरे में उनको बंद करके और किस तरीके से मारा गया है। आप उनका घर देख सकते हैं कि किस तरीके से है, कोई कमरा नहीं है जिसमें उनको बंद करके मारा गया हो। ये मामला आप सभी के सामने है। आप सभी देख सकते हैं कि कोई रूम नहीं है, कोई फाटक नहीं है इनके घर में, और इनका कहना है कि अश्वनी यहीं सो रहे थे और पुलिस वाले यहां से उठा के ले गए। तो ये साफ दिख रहा है कि लड़की का आरोप जो भी लगाया गया है वो गलत है। ये बताइए वर्तमान में लड़की का क्या कहना है? लड़की का कहना है कि वो 2 लाख रुपया मांग रही है कि सुलह करेंगे। कहाँ से हम देंगे? गरीब आदमी देखिए झोपड़ी है, हम तो जी खा रहे हैं, कैसे देंगे 2 लाख रुपया? लड़की का ये कहना है कि आप पैसा देंगी तो वो सुलह करके केस वापस लेगी, वरना नहीं लेगी। जैसा कि आप सभी ने अभी इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से दोनों विवाहित हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, यहां तक कि लड़की के घर वाले भी उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। शादी सभी की रजामंदी से हुई, तो इस प्रकार के आरोप उस लड़के पर क्यों लगाए जा रहे हैं? जैसा कि आप सभी ने वीडियो में भी देखा कि लड़के की मां ने, उसके गांव वालों ने, यहां तक कि ग्राम प्रधान ने भी ये कहा है कि ये लड़का निर्दोष है, जो भी आरोप इस पर लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। तो ऐसे में आप सभी का सहयोग चाहिए और मैं शासन से भी अपील करता हूं कि इस निर्दोष लड़के पर जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है उसको सुरक्षा दी जाए और सुरक्षित उसको उसके घर पहुंचाया जाए, और इस प्रकार के जो गलत आरोप लगे हैं इस पर कार्रवाई करते हुए उस लड़के को न्याय मिले। मैं यही अपील आप सभी से अरावली न्यूज़ की ओर से करता हूं। धन्यवाद।